हेलो गाइस, गुप्ता इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो मैं रोज़ एक नए वीडियो में आप लोगों के पास पहुंचाता हूं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को एक नया चीज़ सिखाऊं, ठीक है दोस्तों। तो आज जो मेरे पास जो है, मैं जो आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं, तो ये जो टीवी है, CRT टीवी है, उसमें जो किट है वो रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो इसके जो जितने भी तरीके हैं मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले जो यू कॉल के जो चार तार होते हैं, सबसे पहले मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। तो देखिए आप, ये हमारा जो रीड है इसको 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको 1 में रीड कर दूंगा, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है, बट 1, 1, 2, 3, 4 ये बेटर रहता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1 और ये हो गया आपको। उसके बाद देखिए ये जो येलो वाला तार है ये 4 में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला तार है ये 2 में जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन वाला तार है ये 3 में जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने जो ये कॉइल का तार होता है, 4 जो कनेक्शन होता है, उसको मैं ऐड कर दिया हूँ। और करने के बाद यहाँ पे एक क्लिप होता है जिसके वजह से हम इसको टाइट कर सकते हैं, तो हम टाइट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है कनेक्शन, तो हम यहाँ पे देखिए इसको ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और इसको जो है जो 1 वाला है, तो इसमें जो होता है वो साइज, पिक्चर ट्यूब के साइज के अनुसार इसमें डालते हैं, ठीक है। ये आपको T1 हो गया, T2, T3, T4, T5 तक हो गया। तो इसमें आप देखिए, अगर इसमें लगाते हैं तो सबसे छोटा पिक आता है, उसमें लगाएंगे तो इससे बढ़ाएगा, इसमें लगाएंगे तो इससे बढ़ाएगा, इसमें लगाएंगे इससे बढ़ाएगा, इसमें लगाएंगे इससे बढ़ाएगा, इससे भी ज़्यादा बड़ा इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम इसी में डालकर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मेरा बच गया बेस किट, ठीक है। तो जी ये बेस किट हो गया, मैं इसको डाल दूंगा। तो देखिए मैं इसको डाल रहा हूँ। ये देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी आप किट डालेंगे तो जो ये बेस किट होता है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसे टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये जो है एकदम सीधा आएगा पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह स्ट्रेट लाइन में सीधा आएगा। तो मैं इसको बैठा लेता हूँ, ये थोड़ा टाइट जाता है, न्यू रहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए आराम से ये चला गया, देखिए एकदम पूरी स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। तो जब सीधा जाएगा तभी ये मेरा जो है पिक्चर ट्यूब का जो है बिस्किट वो तभी सही है, ठीक है। उसके बाद मेरा बच गया ESD का कैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको, इस कैप को डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको डाल दिया। डाल देने के बाद देखिए इसको कैसे हम घुमाते हैं, ऐसे नहीं डाल देने के बाद छोड़ देना है, ठीक है। इसको यहाँ पर ला लेना है, इसको देखिए बैठाते कैसे हैं, ये इसके दाब के इसको नचा देते हैं और जो है मेरा पूर्ण रूप से ये बैठ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने AC का आउट कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपको ये हो गया हमारा कीपैड का, ठीक है। ये कीपैड हो गया, ये सेंसर हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ, देखिए मैं अलग कर लिया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जीक बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है, यहाँ पे जो, सॉरी दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा, हाँ आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है सेंसर का हो गया, ये कीपैड का हो गया, और ये दोनों साउंड का हो गया, ठीक है। और ये हमारा AC पोर्ट का हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले ये सेंसर लगा देता हूँ। तो आप लोग जो है सेंसर लगा दिया मैं, आप लोग कीपैड भी यूज कर सकते हैं, बट कीपैड नहीं यूज भी किया जाए तब भी चलेगा, ठीक है। नहीं मतलब चलेगा तब भी चलेगा, ठीक है।
उसके बाद ये बचा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो जब मैं वीडियो गिराऊंगा या पिक्चर आने की बात रहेगी तब करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, साउंड बचा, ठीक है। तो देखिए साउंड को सबसे पहले इसके जो पुराने तार हैं, तो ये हमारा साउंड है, इसमें जो पुराने तार हैं इसको मैं सबसे पहले कट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा पार्ट वन है, ठीक है। इस तरह पार्ट टू जाएगा, पार्ट थ्री जाएगा, शायद पार्ट फोर पर तक भी जाता है, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तार को काट दे रहा हूँ, मैं इस तार को काट कर बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जो हमारे जो स्पीड के हिसाब से जो वायर आए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो दो टांग की तार है, तो इसको मैं डालूँगा, हमारा कीपैड का हो गया, इसको देखिए मैं इसको डालूँगा, ठीक है। सबसे पहले इन तारों को मैं सोल्डिंग कर दूँगा, साउंड ये स्पीकर है इसके सोल्डिंग मैं कर दूँगा। तो हेलो दोस्तों, अब देखिए मैं जो साउंड का जो तार होता है, तो इसको मैं सोल्डिंग कर दूंगा, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक जो साउंड है स्पीकर है, मैं इस पर तार जो है कनेक्ट कर दिया हूँ, और दूसरा स्पीकर पे भी करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने है कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये कर दिया है, तो हालांकि अब इन जो ये साउंड का जो केबल है, मैं इसको कनेक्ट करने के लिए कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जब वीडियो गिराने की बात आएगी तब जो है इसको किया जाएगा। अभी मैं इसको लाइन दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए लाइन दे देता हूँ, लेकिन देखिए लाइन देता हूँ, मैंने लाइन दे दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये मेरा जो सेंसर है इसमें लाइट आ गया है, ठीक है। अभी देखता हूँ पिक्चर टिप में जो है लाइन आया है कि नहीं आया है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से लाइन आ चुका है, ठीक है। ये मेरा पार्ट वन है, पार्ट टू मैं जल्द से जल्द डालूंगा, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं इसका कनेक्शन जो है काटता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन काट दिया मैं, फिर इसमें लाइन देता हूँ, तो इसमें लाइन में दे रहा हूँ, यहाँ पे लाइन दे दिया। लाइन देने के बाद एक और चीज देखा जाता है, ये जो हमारा वेलकम है लिख रहा है, सीधा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, बट यहाँ पे जो है सीधा लिख रहा है। अगर ये उल्टा लिखता है तो यहाँ पे जो तार दिख रहा है 1 2 3 4, तो 3 और 4 को आपस में चेंज कर देना है, तब आपको सीधा दिखाई देगा, हालांकि अभी सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा पार्ट वन है, पार्ट टू मैं जल्द से जल्द आप लोगों के पास मैं अपलोड वीडियो करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, और जो भी फॉल्ट है कमेंट बॉक्स में आप अपना जो कमेंट है उसमें डालिए, ठीक है। मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई भी करूँगा।